कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व बिलासपुर के नैना देवी से विधायक रामलाल ठाकुर ने प्रदेश सरकार द्वारा बार बार लिए जा रहे कर्ज को लेकर तंज कसते हुए कहा कि 3 साल पहले विपक्ष में रहते हुए भाजपा द्वारा प्रदेश की वीरभद्र सरकार पर कर्ज लेकर प्रशासन चलाने व विकास करवाने के आरोप लगाती थी, लेकिन आज पूर्व सरकार पर कर्ज लेने के आरोप लगाने वाली भाजपा की हालत कुछ और ही है। प्रदेश के मुखिया जयराम ठाकुर की अगुवाई वाली सरकार ने 3 साल में इतने कर्ज लिए हैं जिससे आने वाले 2 सालों में प्रदेश पर 100,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो जाएगा। रामलाल ठाकुर ने कहा कि डबल इंजन की सरकार का दावा करने वाली भाजपा सरकार के दावे हवा हवाई हो गए हैं। प्रदेश की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो चुकी है और प्रदेश सरकार कर्जे लेकर काम चला रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल को कोई विशेष पैकेज नहीं दिया जा रहा है और जिस प्रकार से प्रदेश सरकार कर्जे ले रही है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में सरकार कर्जे लेने के मामले में नए आयाम स्थापित कर देगी। उन्होंने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में सारे विकास कार्य ठप पड़े हैं। वहीं रामलाल ठाकुर ने कहा कि चुनावों से पूर्व प्रदेश में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 59 नेशनल हाईवे की घोषणा की थी और 67,000 करोड़ रुपए स्वीकृत करने का ऐलान किया था, लेकिन जिसमें से अभी तक 67 पैसे भी नहीं आए और न ही किसी भी हाईवे का काम शुरू हो पाया है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि डबल इंजन वाली सरकार केवल भाषणों तक ही सीमित है और इस सरकार के दावे धरातल पर कहीं भी दिखाई नहीं देते। वहीं कीरतपुर नेरचौक फोरलैन प्रोजेक्ट का काम बंद पड़ा है जिसे आने वाले समय में इसकी लागत और भी बढ़ जाएगी। देखो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, इसके ऊपर बड़े शुरू से हमने जो भी डिबेट हुई है उसमें भी हिस्सा लिया, विधानसभा के अंदर हो या बाहर विधानसभा के बाहर हो। लेकिन अगर आप 3 साल पहले की बात करें तो 3 साल पहले जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोपेगेंडा था वो था कि वीरभद्र सिंह जी की सरकार कर्जे ले रही है और कर्जे के ऊपर जो है आज लोगों के काम और डिपार्टमेंट चले हुए हैं। और उस टाइम इतना कहा गया कि जो पहले के कर्ज माननीय शांता कुमार के समय में भी लिए गए थे, धूमल साहब के समय में भी लिए गए थे, वो कुल मिला के जोड़ के कहते थे 37,000 करोड़ रुपए जो है वो प्रदेश ने ले लिया है। लेकिन आज मैं जयराम जी से भी पूछना चाहूँगा और जो हमारे बीजेपी के बड़े नेता हैं मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि कारण क्या है कि कुछ 67,000 करोड़ जो है वो कर्ज जो है वो ले लिया है और अब 1,000 करोड़ और लिया जा रहा है। अगर मान लो अगर वो 76,000 करोड़ की बात करें, 10,000 और मिला लें तो ये अभी इसी साल जो है 31 मार्च से पहले पहले ये आंकड़ा चौंकाने वाला होगा। अगला साल जो है वो 2 साल बच गए, 2 साल में जो है ये मैं कहूँगा कि 100 से भी ज़्यादा हो जाएगा, 100,000 करोड़ से भी ज़्यादा होगा। जबकि यहाँ पे लोगों को कहा कुछ गया था और आज हो कुछ रहा है। जो आपने डबल इंजन की सरकार की बात करी, ये सरकार इसलिए बोला जा रहा था कि भाई इंजन दिल्ली का भी हमारा है तो प्रदेश का इंजन भी हमारा होना चाहिए। उसमें 69 नेशनल हाईवेज की घोषणा कर दी थी और गडकरी साहब ने कहा था कि मैं 67,000 करोड़ रुपए तुरंत सैंक्शन कर रहा हूं, लेकिन 67 पैसे भी नहीं आए, एक भी नेशनल हाईवे जो है वो क्लियर नहीं हुआ। हमारा ये जो यहां से कांगड़ा से शिमला की तरफ को जो 4 लेन बननी थी वो अब उसको भी नकार दिया गया, कहा गया ये फिजिकली जो है वो वहां पे फाइनेंशियली ये फिजिबल नहीं है। तो ये कहना चाहूंगा कि करने में और कहने में बड़ा फर्क है और आज जो कर्जे लिए जा रहे हैं, एक और जो है वो काम सारे के सारे बंद पड़े हैं। फिर ये साल तो निकल ही गया, इस साल तो कहा जा रहा है कि कोरोना है इसलिए काम जो है वो नहीं होंगे। तो इसलिए मैं कहूंगा कि जो बजट में पास भी हुआ वो पैसा भी पास ऑन नहीं किया जा रहा है। तो इस ढंग से मैं कहना चाहूंगा कैसे चलेगा काम। और ये जो कर्जे लेने की बात है, ये कर्जे लेने की बात उतनी तो मान ली कि हाँ अपना थोड़ा सा काम चलाने के लिए दिक्कत आती है तो आप ले लीजिए, लेकिन ये तो दिक्कत पिछले 2 सालों से क्या 3 सालों से यही दिक्कत है और कोई पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं मिल रहा है। डबल इंजन जो है वो फ्यूज हो चुका है।
दिल्ली के जो है कनेक्शन, मैं ये कहना चाहूँगा कि अर्थ हो चुका है, और वहाँ से जो स्पेशल कोई ग्रांट देने की बात थी, कोई पैकेज देने की बात थी, जो सोचा जा रहा था दिल्ली में भी हमारी सरकार, हिमाचल में भी हमारी सरकार, ये नारा जो है वो केवल मात्र कागजों में रह गया और उससे आगे कुछ नहीं हो पाया है। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है और लोगों को उसका खामियाजा भोगना पड़ रहा है।